वैसे मुझे पता नहीं था मैया कि मेरा स्वागत आप झाड़ू से करेंगी। नहीं नहीं प्रभु नहीं। श्री नारायण, क्या ये सत्य है? आप सच में यहाँ हैं? और ये मत ही कहना कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। लो, मैंने तो चने समाप्त भी कर दिए और आपको अब तक विश्वास ना हुआ। इसका अर्थ है कि आप सच्ची में आप ही हो। प्रभु, मेरा मन कर रहा है कि बहुत तीव्र स्वर में चिल्लाऊं, जो मुझे विक्षिप्त और बावली बुलाते हैं उनको मुझे कहना है कि मैं बावली ना हूँ। देखो देखो, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री नारायण आ गए, मेरे घर बैठे हैं। देखो, मैं बावली ना हूँ, मैं बावली ना हूँ। मेरे प्रभु श्री नारायण मेरे घर बैठे हैं, मेरे साथ हैं। कान्हा, कान्हा, देखो वो यही है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे साथ है मेरे प्रभु। मैं बावली ना हूँ। ये तो वन में रहने वाली बूढ़ी माई का स्वर है। कहीं कान्हा उन्हीं के साथ तो ना है? बूढ़ी मैया, चने तो समाप्त हो गए। लाइव प्रभु, अभी लाइव। चलो उड़ो उड़ो, हटो हटो, मेरे प्रभु का है। रुकिए, और वो चिड़िया मेरी है और मैं सबका हूँ। जो भी पंछियों को, भटकते पशुओं को, बालकों को, निर्धनों को दिया जाता है वो मुझे ही तो मिलता है मैया, क्योंकि मैं सब में हूँ और सब मुझ में। क्षमा करना प्रभु, स्वार्थी हो गई थी मैं। सचमुच आपकी भक्ति अनोखी है। आपने स्वार्थ भी दिखायो तो अपने लिए ना, मेरे लिए। पर बूढ़ी मैया, दूसरे के साथ बांटने में ही तो सच्ची में तो प्रसन्न होता हूँ मैं। समझ गई प्रभु, मैं समझ गई। भूखी है ना तू? तू भी ले ले, ले ले। आ, आओ भैया यहाँ बैठो। एक बात बताओ प्रभु, आपने इस बुढ़िया को इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? मैंने प्रतीक्षा ना करवाई, मेरी मैया को ना जानते आप, मुझसे बहुत प्रेम करती है वो। मेरी सुरक्षा के चिंता के कारण कहीं आने जाने नहीं देती है मुझे। आज भी बिना बताए आयो है जे यहाँ, मेरे मना करने के बाद भी। मैया का सर, ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे? क्योंकि तेरी मैया स्वयं खड़ी है यहाँ।
देखो बूढ़ी मैया, मेरे बाबा और मैया लेने आए हैं मुझे। तुझे कितना भी समझा लो, कितना भी भयभीत कर लो, तू सुनने वालों ना है, हैं? मेरे प्रभु के साथ ऐसो व्यवहार जो अनुचित है लल्ला, ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था। तुम सब ऐसे डांट क्यों रहे हो इन्हें? मैंने बुलाया था इन्हें। देखो मैया बाबा, इन्होंने ही बुलाया था मुझे। अब आप ही बताओ, यदि मैं यहाँ ना आता तो इनका मन कितना दुखी हो जाता। बहाने मत ही बना कान्हा, आज के पहले तू इन बूढ़ी माई को जानता भी ना था। अरे लाली, मैं तो इन्हें 40-50 वर्षों से बुला रही हूँ, पर आज आए हैं ये। 40-50 वर्ष? माई, मेरा लल्ला केवल 4 वर्ष का है। तू भी विचित्र है लाली, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, उनकी आयु गिन रही है। आप कहना क्या चाहती हो माई? यशोदा, एक तो ये बूढ़ी है और दूसरा इनके बारे में पता चलो है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है। ये हमारे कान्हा को कोई और समझ रहे। कान्हा, अब चल। चल तो हूँ मैया। प्रभु, अभी अभी तो आए थे, इतने शीघ्र छोड़ के जा रहे हो। यदि आप सच में चाहती हैं कि मुझसे दोबारा बिछड़ना न पड़े, तो आप काशी जाओ माई। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर अपनी तपस्या पूर्ण करो। जब उचित समय आएगा, तो मैं स्वयं आपको अपने आप में लीन कर लूंगा। और हाँ, आपके यहाँ जाने के बाद भी आपके खेत की देखभाल होती रहेगी। इसे कहवर वन के नाम से जाना जाएगा। अब चल भी कान्हा, चल। देख लल्ला, कारण चाहे जो भी हो, तुझे वन में ना आना चाहिए था। कार्य तो तूने अनुचित करो है कान्हा, परंतु तेरे आने से बूढ़ी माई प्रसन्न हुई, उन्हें आनंद मिलो, इसीलिए तुझे ना डांट रहा हूं मैं। मैया, आप भी नहीं डांटोगे ना? आप पक्का क्रोधित भी नहीं होना मुझसे? ना। तो फिर चलो दौड़ लगाओ, देखते हैं पहले कौन घर पहुंचता है। कान्हा, कान्हा, कान्हा सुन तो। कान्हा, आज ना रुकूंगा मैं। कान्हा, कान्हा, मैंने कहीं रुक। क्या होगा? हाँ। अकेले वन के भीतर चला गयो, तब भय ना लगो। अब हमारे साथ है तो भयभीत हो रहे है। हाँ मैया, हाँ। चिंता मत ही कर लल्ला, कोई हाँ ना है, हाँ हो तो ही ना है।
तू घर आ गयो है ना लल्ला, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। तू बैठ, मैं जल लेके आती हूँ। प्रभु को भय कैसे लग सकता है? हाउ? तुमने कान्हा को वन में जाने से रोकने के लिए ये उपाय निकाला? मुझे ना पता था जी कि चेता भयभीत हो जाएगा। बालकों को भयभीत करने का ये तरीका सही ना है यशोदा। यदि एक बार उनके मन में ये भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती है। ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते हैं। मैया बाबा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। आप तो समझ गई ना जी, अपनी भूल सुधारूंगी मैं। कैसे? आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? आप तो सभी के भय मिटाते हैं। पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्याक्ष से भी भयभीत नहीं हुए थे आप। पहरा बनकर उनका संहार किया था। राक्षसों के राजा रसानन रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप। राम बनकर उसका भी वध किया था। तो आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? तुझे बचाने का स्थान पर फिर से फंसा दिया जाऊ। बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दिया, अब यशोदा क्या करेगी? जिसने भगवान जी खेल के सीखो है, या जी सब आपने सिखाए हुए? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना, तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती। इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है। ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यशोदा। बाल बाल बज गए दाऊ। अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ, अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती है ये। मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है, मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है, अपने कान्हा को अनुशासित कैसे करना है, इसे शरारत करने से कैसे रोकना है, इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे। मैं कान्हा की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं? गिनती से? ना, वर्णमाला से। हाँ, कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी।
योजना कल सुबह बना लेना यशोदा, सो जाओ अभी। कभी ना समझते जी, योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की। यो कर लो बात, अब गोपालक कब बनूंगा मैं और कैसे? विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए कुछ अवश्य भोजन के कारण कुछ। ऐसा क्या खा लिया दुर्जन जो पता नहीं पा रहे? मेरी दुर्बलता तो एक ही है महाराज, मिठाइयाँ। जब वो मेरे समक्ष होती है तो रहा नहीं जाता। जो सबसे अधिक प्रिय हो यदि वही विष बन जाए तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है दुर्जन। सही कहा महाराज, आगे से स्मरण। उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है? पता नहीं महाराज। पता करो तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो ये उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान जिस देश में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो किसी भी मूल्य पर। जाओ क्या होगा तुम सबको? प्रभु जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है हम सबके लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु। जब आप गौपालक बनेंगे तो हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बस इसी आशा में हम सब व्याकुल हैं प्रभु। चिंता मत करो, मैं तुम सबके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। शीघ्र ही गोपालक बनूंगा मैं। आ आ ई ई उ उ क्या हो गया यशोदा? ना वो तुम्हें बस। और एक बात बताओ, तुम वर्णमाला का अभ्यास कर रही हो भी इतनी सुबह सुबह, और ये क्या बना रही हो? कछु ना है। अरे दिखाओ ना। नंदराज वो गौशाला में आपकी आवश्यकता है। आ तो से पहले कि काना उठ जाए मैं से सभी तैयारियां कर लेती हूँ। पहले तो सब चारा समाप्त कर दिया था, अब कछु ना खा रही है। लगता है बन की घास का स्वाद भूल लग गए ने। तब तो हमें गौचारण आरंभ करना पड़ेगा। पर वो भी इतना सरल ला है नंदराज,
गौपालक कम है और गैयाएं अधिक हैं। अभी कली वन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। हमें गोपालक बनने दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसी, भानु, यदि हमारे घर के बालक गौपालक बनेंगे तो अन्य गोप परिवारों को प्रेरणा मिलेगी, फिर धनवान गोप गोपियां और उनके बालक इस गौपालन के कार्य को तुच्छ ना समझेंगे। सही कह रहे हो नंदराज, ऐसो करने से अन्य बालकों को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, और काना अनुशासन भी सीख पाएगो और इसका नटखटपन भी कम हो जाएगा। पर मैं नटखट थोड़ी ना हूँ, तुम बताओ मैं नटखट हूँ क्या? देखो आपने ये भी मना कर रही है। बाबा, इन सब गैयाओं ने मेरी पुकार का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। ये अच्छे गोपालक का चिन्ह है ना? तो तुम दोनों का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ होगा। पर जे तो कुछ समय बाद भी हो सकता है ना? आप तो जानते हो आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरंभ करना है। यशोदा, पर मुझे लगा था कि तुम इन्हें मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो। पर जे तो और भी अच्छा है ना चिज्जी, एक बार जे पढ़ना लिखना सीख जाए फिर सारी कथाएं भी स्वयं पढ़ेगो। बड़ी माँ, आप तो जानती हो मैया जब भी कछु नया सोचती है टिकाई सोचती है। और तू सवेरे सवेरे उठते ही यहाँ क्यों चलायो? ताकि पढ़ाई ना आरंभ करनी पड़े, इसीलिए ना? पर मैया मुझे बहाने मत ही बना, चल अब। यशोदा, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। देख जानकी, कान्हा को पढ़ाने की बात किसी को बताने की सोचो भी मती। कान्हा, तू स्नान के लिए चल, मैं आती हूँ। जा। जानकी सुन। हाँ? कान्हा को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी? हाँ? मुझे ना वर्णमाला से आरंभ करना है आज। मैं चाहती हूँ कि वर्ण से आरंभ होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाऊं, शीघ्र समझ जाएगा। जैसे क से केला। समझ गई भाभी, वर्णमाला के सारे वर्णों से आरंभ होने वाले सभी वस्तुएं और लिखाई पट्टी और खड़िया भी चाहिए। भोला बंसी को बोल शीघ्र ले। अभी लेकर आती हूँ। कान्हा, बाहर जाने का प्रयास भी मत ही करना, समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है। लल्ला, जा जाके स्नान की तैयारी कर, जा। वहीं ठहरो। मिल गई। बस से पंकुड़ी। और ये मिल गई
ख से घंटी। अरे भोला, जसोदा भाभी ने तुम्हें लेखन पट्टी और खड़िया लाने को कही है, शीघ्र ले जाओ। तो इसने मुझे कोई और समझा, बच गया। बस से बेलन कस्तूरी। अरे अरे, क्या कर रही है? मैं आज ही हाथ से लाई हूँ, तो तू दूसरी ले ले। मुझे कान्हा की पढ़ाई के लिए वस्तु इकट्ठी करनी है। हाँ, कान्हा की पढ़ाई के लिए? हाँ, आज जसोदा भाभी कान्हा की पढ़ाई आरंभ कर रही है। पढ़ाई? हे नारायण, मैंने मना किया था किसी को भी बताने से। अच्छा सुन कस्तूरी, मैंने केवल तुझे ही बताए हुए, किसी और को मत ही बताना। चल, मैंने केवल आप ही को बताई है भाभी, आप किसी को मत बताना। हा? किसी और को मत ही बताना तुम सब। बहुत अद्भुत होगा वो दृश्य, मुझे जाके देखना चाहिए। अच्छा लल्ला, बता तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है? मेरी प्यारी सी मैया। मैया। लल्ला, तुझे क्या और कौन का अंतर पता है कि ना? मैंने जे ना पूछा तुझे कौन प्रिय है, मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है। लड्डू। लड्डू? बेसन के। कभी बेसन के लड्डू, कभी नारियल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू। भूल हो गई मुझसे, मुझे तेरा नाम लड्डू रखना चाहिए था, लड्डू कहीं का। यदि लड्डू चाहिए तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? सुनो, तुम कौन हो जी? वो अच्छा, भोला ने भेजो है क्या? ले आओ ले आओ। पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें, भोला के संबंधी हो क्या? नाना मैया, ये तो मेरे संबंधी है। जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका, वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना, है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महाराज कंस ने भेजा है? चुप हो जा, कछु भी बोलतो है, जितने मामा ना है। यशोदा जी जी, औषधि है का? देखो ना, कांटा लग गो। इसमें से तो रक्त निकल रहा है। रुक रुक, चेले, इसे लगाते ही पीड़ा झट से लुप्त हो जाएगी। जीजी, जीजी, यशोदा जीजी, थोड़ा घी मिलेगो, मेरे यहाँ समाप्त हो गो है। ठहर अभी लाई। चेले, यशोदा भाभी, यशोदा भाभी, वो तनिक हल्दी मिलेगी, वो पता नहीं मेरे यहाँ कब समाप्त होगी। हाँ हाँ, ठहर अभी लाई। यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी। किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल। जे कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम सब मिलके? नन्ना जी,
बताओ भाई, सच्ची सच्ची बोलो, ये सब क्या चल रहा है? क्यों आई हूँ यहाँ? मैं बताऊँ मैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है। तुम्हें किसने बताया कि भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है, मैं समझ गई जो किसकी करनी। क्षमा करना भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आए। अब इन्हें साथ लो और जा जा। यशोदा हमें भी तो देखने दो, तुम काना को कैसे पढ़ाती हो। हाँ, और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी, मान जाऊँ ना। मैया आप तो जानती हो, ये सारी गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती है और मुझे भी बहुत प्रिय है ये। गोपियाँ भी प्रिय हैं इसे। तो कहना क्या चाहते है? इन सबको यही रहने दो ना मैया, इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ मैं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ, क्यों ना पढ़ा पाऊंगी? अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। आप बैठो यहाँ। स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह, ये तो बड़ो चतुर हो गए है। लल्ला, अब इससे पहले कि हम आरंभ करें हमें बुद्धि दाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेश नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की, जय हो। जय हो। कैसी लीला है प्रभु, भविष्य में जो संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया अभी तो मुझे विद्या मिली ना है, जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर।
और मैया मुझे ठीक से स्मरण ना है, कछु गड़बड़ हो गई तो? अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। ओ महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं। लल्ला, जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार, इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ आ आ ई ई उ उ री ए आई ओ ओम आह। तुझे कैसे पता? आप ही ने तो सिखाया है मैया। मैंने कब? कल रात से सिखा रही हो आप, रात को सोने से पहले। आप यही तो बोल रही थी, सुबह उठते ही फिर से डर आने लगी, और तो और चांद कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। इतनी तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं, इसके बाद का ना तो मैया। तो क्या होगा, मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गयो, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया, टुकता हूँ तो गौपालक बन भी जाएंगे। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? चारा डालने से पहले गुड़ मिलाना होता है। मैं बता तू, जेले डाल, बस अभी इसमें से चारा निकालो। अब गुड़। ऐसे ना डालो जातो, इसे पीस कर डालो जातो है। ला, इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, पकड़। और फिर इसे चारे में मिलायो जातो है। हो गया, जा गैयाओं को खिला दे। ये तो मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे छोटे बाबा? और गुड़ मिलाऊं क्या? ना ना, गुड़ पर्याप्त है, हमें अधिक गुड़ भी ना मिलाना चाहिए। अधिकता मानव के लिए हो चाहे गैयाओं के लिए बुरी ही होती। एक बार पुनः प्रयास करो। लो अब खाओ। बाबा ये तो अब भी नहीं खा रहा। नारायणी जाने क्या हो गया है इन्हें। काना, तेरा ध्यान कहाँ है लल्ला? घर से घर। घर से घर।
अद्भुत लीलाधर की लीला, अद्भुत इनके रंग। स्वयं ब्रह्मा आज सीख रहे हैं ग 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